सो ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू अर वीडियो। सो इस वीडियो हम लोग पूरे एनालिसिस करेंगे कि 24 जून के जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था जेई मेन का, उसमें क्या टफनेस रहा पेपर का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कौन से पेपर ज़्यादा टफ आया था, कौन से पेपर इजी आया था, और किस पार्ट में आपको फोकस करना चाहिए ताकि अगर आपका आने वाले एग्ज़ाम में अगर आपका शिफ्ट लाइक 26, 25, 27, 28 या 29 जून को अगर आपका पेपर है किसी भी शिफ्ट में, तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं मेंटली कि आखिर पेपर आया कैसा रहा है। ठीक है, हम लोग सारा कुछ बात करेंगे और ओवरऑल रिव्यू दूंगे आपको कि पेपर का एनालिसिस क्या था, टफनेस क्या था। ओके, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले टाइम में आपको मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल से रिलेटेड सारा कुछ वीडियोस मिल जाएगा हर शिफ्ट के रिलेटेड। ओके, सो बात करते हैं हम लोग पहले फिजिक्स की बात करेंगे। ठीक है, सो फिजिक्स में ओवरऑल पेपर जो था वो ईजी टू मॉडरेट था फिजिक्स के रिलेटिव बात करें, क्योंकि फिजिक्स में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो थे वो आपके फॉर्मूले बेस्ड आए थे। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अभी अगर फिलहाल अगर आपका पेपर आने वाले नेक्स्ट शिफ्ट में होगा लाइक अगले डेट को होगा, ठीक है, अभी आपका पेपर नहीं हुआ होगा, तो आप बेसिकली फोकस कीजिएगा मेनली फार्मूलाज पर। ठीक है, और सारे चैप्टर के फार्मूलाज कवर कर लीजिएगा। ओके, अब बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में पेपर हर साल की तरह एनसीईआरटी से क्वेश्चन थे, एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन थे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लीजिए। बेसिकली इनऑर्गेनिक स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी से क्वेश्चन थे। ऑर्गेनिक अगर आप एनसीईआरटी में अच्छे से कवर किए हैं, रिएक्शंस और बाई प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, मतलब ए बी सी डी वाले क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ओवरऑल केमिस्ट्री जो था वो इजी टू मॉडरेट था, मतलब कि आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट था। आप मॉडरेट भी नहीं कह सकते हो, मतलब टफ लेवल का नहीं था, ठीक है, इजी टू मॉडरेट, इजी से थोड़ा सा ज़्यादा था और मॉडरेट था। ठीक है, अब बात करते हैं मैथ्स। तो मैथ्स देखो जेई मेन का यूनिवर्सल सब्जेक्ट है। मैथ्स में हर साल लेंदी पेपर आता है, ठीक है, टफ पेपर नहीं आता लेकिन लेंदी आता है। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके और आप कह सकते हो कि अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो आप डेफिनेटली पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे होगे, 20 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस बनते हैं बट वो लेंदी होते हैं, काफ़ी टाइम लगता है। तो आप कह सकते हो जो मैथ्स का जो पेपर था वो मॉडरेट टू टफ लेवल था, ठीक है, लेंदी होने की वजह से आप उसको मॉडरेट टू टफ के कैटेगरी में ला सकते हो। ठीक है, तो अगर ओवरऑल पेपर की रिव्यू की बात करें कि पेपर कैसा था, इसमें कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल बनेंगे, तो मैं कहूँगा कि अगर मैं टफनेस के लेवल पर अगर 10 पॉइंट अगर 1 को अगर सबसे ईजी और 10 को सबसे टफ मानूँ, तो इस 24 जून फर्स्ट शिफ्ट वाले पेपर को मैं 6 to 7 के अराउंड रखूँगा। ठीक है, टफनेस के मामले में 6 to 7 आप देख लो कि इसमें आप जरूर कमेंट करना कि पेपर कैसा था, टफ था या इजी था या लेंदी था, कौन सा पार्ट कितना टफ था। ठीक है, आप जरूर बताना अगर आपका उस दिन पेपर होगा। ओके, तो 6 to 7 के अराउंड रखूंगा उसका टफनेस लेवल। ओके, पॉइंटर उसके उसी के अराउंड होगा। सारे पेपर का एनालिसिस हम लोग करेंगे आने वाले वीडियोज में। ओके, और हम लोग बात करें मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की बात करें, तो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 99% अगर आप 190-200 के बीच में अगर आपका आता है मार्क्स, तो आपके 99% आने के चांसेस बन सकते हैं। लाइक 200 के पास अगर आपके मार्क्स हैं तो 99% बन जाए, क्योंकि ये पेपर जो है आपके मॉडरेट टू टफ लेवल कैटेगरी नहीं है। आप कह सकते हो कि इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था। ठीक है, 2021 से कंपेयर करें तो आपके अगर 99% की बात करें तो 190-200 के आसपास रहेगा तो मिल जाएगा। 98 की बात करें तो 180 प्लस अगर मार्क्स है तो आपको 98 मिल जाएगा। 97 की बात करें तो 165 प्लस अगर मार्क्स है, 170 प्लस, तो 97% बन जाएंगे। ओके, सो आई थिंक आपको ओवरऑल एनालिसिस समझ में आया होगा कि पेपर कैसा था 24 जून के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। ओके, सेकेंड शिफ्ट का भी एनालिसिस मैं आज अपलोड कर दूंगा चैनल पर। ओके, सो वीडियोज़ को जरूर लाइक करेगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सो थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।